हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं आपका दोस्त नीरज और मैं फिर हाजिर हो गया हूं आपकी सेवा में अपनी अगली वीडियो के साथ। और ये जो वीडियो है वो त्रिपुया का पार्ट टू है और इसके अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं वुड कार्विंग। तो आप ये डिज़ाइन देख पा रहे हो, ये इसी जगह पर बना हुआ जिसको त्रिपुया मावरी आर्ट्स एंड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं। ये नेशनल इंस्टीट्यूट है न्यूजीलैंड का और इसी के बारे में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ कि यहाँ पे स्टूडेंट कैसे इसको बनाते हैं और कैसे अपनी कितने टाइम में अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ पे गेन करते हैं। सो दिस वीडियो विल बी ऑल अबाउट वुड कार्विंग आर्ट। तो अभी हम अंदर जाएंगे और अंदर से आपको दिखाएंगे इसका सारा प्रोसीजर कि ये सब कुछ कैसे होता है। Around that area, it's a musket. Now the musket was introduced to New Zealand to the Ngāpuhi tribes, Bauvanas, around the Bauvanas. They were the first Māori people to purchase a musket. It was traded by the whalers. Here the phone number school, our people also work with the phone, whale. Okay, it is a legal time for whale here in New Zealand, like a lot of countries in the world, it's illegal. और यहाँ पर ये भाई साहब इस आर्ट्स एंड क्राफ्ट सेंटर में पढ़ाए जाने वाले सिखाए जाने वाले चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि एज इट्स मावरी आर्ट्स एंड क्राफ्ट सेंटर, तो यहाँ पे वुड कार्विंग आर्ट सिखाई जाती है। उसके अलावा ग्रीन स्टोन से जेड नाम की जो ज्वेलरी है वो बनाई जाती है। ये जेड जो है न्यूजीलैंड में बहुत लोग पहनते हैं, स्पेशली माउरीज। इसके अलावा यहाँ पे जानवरों और फिश की बोन से भी यहाँ पे बहुत सारी ज्वेलरीज और छोटे मोटे औजार बनाते हैं जो कि माउरी लोग पहले इस्तेमाल किया करते थे। जानवरों की हड्डियाँ ये बीफ से लेते हैं और फिश की बोन जो है ये वेल फिश से लेते हैं। वेल फिश जब ठंडे पानी की तलाश में जब न्यूजीलैंड की तरफ बढ़ती है तो झुंडों में आती है, तो कई बार बहुत सारी मछलियां हैं जो बहुत ज़्यादा किनारे पे आ जाती हैं और वापस समुद्र में नहीं जा पाती और मर जाती हैं। जब वो मर जाती हैं तब उनमें से ये हड्डियां निकाल लेते हैं। मौरियों के पास ये स्पेशल राइट्स है कि वो ऐसा कर सकते हैं, बाकी दुनिया में किसी भी पार्ट में ये चीज़ लीगल नहीं है। So it's relatively soft in comparison to pōnamu, which is our second material. Our pōnamu comes predominantly from... और यहाँ पे ये भाई साहब बता रहे हैं कि जो स्टोन से जो ज्वेलरी बनती है वो किस तरह के स्टोन होते हैं और न्यूजीलैंड में वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो ज्वेलरी बनाने के लिए जो पत्थर इस्तेमाल होता है वो न्यूजीलैंड के नॉर्थ एंड साउथ आइलैंड के समुद्री किनारों से इकट्ठा किया जाता है। उनमें से बहुत सारे पत्थर लाइट और सॉफ्ट होते हैं और कुछ जो हैं वो टफ एंड हैवी होते हैं। और ये जितनी भी आप ज्वेलरी देख पा रहे हो ये पत्थरों और जानवरों की हड्डियों से बनाई गई है। ये वो प्लेस है जहाँ पे वुड कार्विंग सिखाई जाती है। दिस इज नेशनल इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट यहाँ पे 2 से 3 साल के लिए वुड कार्विंग आर्ट सीखने के लिए आते हैं। वुड कार्विंग न्यूजीलैंड में सिर्फ मेल कर सकते हैं। यस, अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर ओनली मेल्स अलाउड टू डू वुड कार्विंग, नॉट फीमेल। यू कैन सी सम ब्यूटीफुल कार्विंग आर्ट्स। चलिए अब हम सब लोग नीचे चलेंगे और ये जो वुड कार्विंग का जो प्रोसीजर है उसको थोड़ा और करीब से देखेंगे।
combat, okay, the weapons we had. So we had to prepare ourselves physically, spiritually, mentally, before the onslaughts and done the haka. You have to try and make yourselves look as mean, as fierce, as intimidating, as ugly as you possibly could. I find that quite difficult to do myself. Okay, so we show them the haka. And the carving, sorry, expression of the haka. Person has four fingers and a thumb, our carvings, there's only three fingers. We're not going to talk right to this. और ये एक और आर्ट्स एंड क्राफ्ट सेंटर है जहाँ पे स्टूडेंट्स को पेड़ों की पत्तियों से और बर्ड्स के फेदर से ड्रेसेस बनाना सिखाया जाता है, जो कि पुराने टाइम में मावली लोग पहना करते थे। ये आज भी पहनी जाती हैं क्योंकि न्यूजीलैंड में बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे आज भी मावली कल्चर परफॉर्मेंस होती है और वहाँ पर मावली लोग आज भी ऐसी ड्रेस पहनते हैं। Nearly to the end of their 2 years with us. The girls are on their last module, and one has chosen to make Pariki. She's going to be a mother one, and Ariana has chosen Fuku, and she'll be making a matching set. If you don't know what a Fuku is, it's a dancing skirt, and you can see them in the shrine. और यहाँ पे आप देख सकते हो कि पेड़ों की पत्तियों से इन्होंने लेडीज पर्स बनाए हुए हैं और घर को डेकोरेट करने का भी बहुत सारा मटेरियल बनाया हुआ है। अगर आप सभी लोग मेरी वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके आप मेरा हौसला बढ़ा सकते हो, ताकि मैं आने वाले टाइम में इससे भी और ज़्यादा बेहतरीन कंटेंट आपके लिए ला सकूँ। These were made many years ago, and we've tried to draw them out on display. My sister-in-law, Terry Murray, made the one, the muumuu, the checkerboard, the one up the top on the far left. And the bottom one is the patikitiki, the diamond or flagfish made by another queer Tangi Magu. And our proakal, Hectorina, made these two here. Yeah, if you miss out this year, just reapply again next year. तो चलिए अब हम चलते हैं आहुआ गैलरी की तरफ। ये वो जगह है जहाँ पे मावरी आर्ट्स एंड क्राफ्ट का जो फिनिश प्रोडक्ट है वो यहाँ पे स्टोर किया जाता है लोगों को दिखाने के लिए और सेल करने के लिए। अगर आप लोगों को यहाँ से कुछ भी ख़रीदना है, चाहे वो वुड कार्विंग आर्ट हो, बोन की ज्वेलरी हो, ग्रीन स्टोन की ज्वेलरी हो, कुछ भी हो, आप हमसे खरीद सकते हैं। बट रिमेंबर, दे आर नॉट चीप। इनकी कीमत जो है लाखों में हो सकती है।
तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी. प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल टू शो योर लव एंड सपोर्ट. और मैं जल्द ही मिलता हूं आपसे अपनी नई वीडियो के साथ. तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.